नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रेड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से उम्मीद की जा रही थी कि रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3 साल से जारी जंग पर विराम लग सकता है, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। रूस और यूक्रेन के बीच हालात पहले से भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग परमाणु युद्ध में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। रूस और यूक्रेन जंग में परमाणु बम गिरने की संकट मंडरा रहा है। इसके साथ ही यूरोप में वर्ल्ड वॉर छिड़ने की आशंका भी बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐसी हिमाकत कर दी है कि पुतिन अब यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में त्राहिमाम मचा सकते हैं। जेलेंस्की ने रूस पर हमला करके अमेरिका समेत नाटो के 32 देशों को जंग में फंसा दिया है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस का दावा है कि रूसी सेना अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-26 रूबेज को यूक्रेन पर छोड़ने की तैयारी कर रही है। यूक्रेन इंटेलिजेंस ने यह भी दावा किया है कि रूस पर मिसाइल को कपुस्टिन यार एयरबेस से लॉन्च कर सकता है। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिरोशिमा का इतिहास दोहराया जाएगा? क्या यूक्रेन समेत पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा? क्या रूस अब परमाणु बम से विनाश मचाएगा? ये सवाल और ये आशंकाएं उस वक्त पूरी दुनिया को दहशत में डाल रही हैं, क्योंकि जिस विनाश का डर पिछले 1000 दिन से रूस और यूक्रेन जंग को सता रहा था, उस महाविनाश के कागज पर खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दस्तखत कर दिए हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका की इजाजत मिलते ही रूस के ब्रायंस्क इलाके में लंबी दूरी की मिसाइल से हमला करके वर्ल्ड वॉर का ऐसा सायरन बजा दिया है जिसकी गूंज नाटो के 32 देशों में भी सुनाई देने लगी है। जेलेंस्की ने पूरे यूरोप को खतरे में डाल दिया है। यूक्रेन ने सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइलों से ही रूस के अंदर हमला नहीं किया, बल्कि रूस के शहर बेलगोरोड और वोरोनेज में भी अब तक का सबसे भीषण स्वार्म ड्रोन हमला किया। एक साथ 45 ड्रोन यूक्रेन ने दागे, जिसमें भारी तबाही मची। यूक्रेन की हिमाकत से रूस का पारा हाई है, और सबसे बड़ी बात यह कि यूक्रेन ने हमला ऐसे वक्त में किया जब पुतिन ने अपने परमाणु नियम बदल दिए हैं, और अब वो किसी भी दुश्मन देश पर परमाणु बम गिरा सकता है। यानी जेलेंस्की ने खुद उस परमाणु महाविनाश को न्योता दे दिया है जिसकी आग में पूरा यूरोप भी झुलस सकता है। रूस किसी भी वक्त नाटो देशों पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि नाटो देशों के ही हथियारों से यूक्रेन अब तक जंग में टिका हुआ है और अब रूस को सीधी चुनौती दे रहा है। एक्टर और टीवी होस्ट से यूक्रेन के राष्ट्रपति बने जेलेंस्की समझ ही नहीं पाए कि रूस से पंगा लेना उनकी सबसे बड़ी भूल है। जेलेंस्की जंग में भले ही खुद को योद्धा मान रहे हैं, लेकिन जंग की शुरुआत से ही उनकी एक एक गलती ऐसी रही है कि आज दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी हो गई है। साल 2022 से अब तक जेलेंस्की ने हर बार रूस का गुस्सा भड़काने के कदम उठाए हैं। इसकी फहरिस्त काफी लंबी है। जेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने की जिद पकड़ ली है। जेलेंस्की ने इसके लिए अमेरिका और नाटो को न सिर्फ दखल देने को कहा है, बल्कि रूस के खिलाफ नाटो देशों से घातक हथियार भी मंगा लिए हैं, और इसके बाद जेलेंस्की ने क्रीमिया पर कई खौफनाक हमले भी किए हैं। रूस जंग के दौरान बार बार जेलेंस्की को चेतावनी देता रहा, लेकिन जेलेंस्की नहीं माने, और अब उन्हें यूक्रेन में एक और हिरोशिमा और नागासाकी बनाने की स्क्रिप्ट लिख ली है, तो नाटो देशों को भी महायुद्ध में फंसा दिया है। नाटो देश पहले से ही रूस के निशाने पर रहे हैं, और अब चाहकर भी रूस के प्रकोप से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जंग में रूस इतना नुकसान झेल चुका है कि अब वह रुकेगा नहीं। नाटो देश रूस के खिलाफ जंग की शुरुआत से अब तक अरबों डॉलर के हथियार भेज चुका है। जिन देशों ने सबसे ज्यादा हथियार भेजे हैं, उनमें से अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड शामिल है। अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, NASAMS मिसाइल सिस्टम, हिमार्स रॉकेट सिस्टम, अब्राम टैंक, ATCMS मिसाइल, एमराम मिसाइल और AIM-9 साइड विंडर मिसाइल समेत कई घातक हथियार दिए हैं। ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल, चैलेंजर 2 टैंक, स्टार स्ट्रीक मिसाइल, हार्पर मिसाइल समेत कई हथियार भेजे हैं। जर्मनी ने आयरिस टी मिसाइल सिस्टम, लेपर्ड टैंक, गेपर टैंक और स्टिंगर मिसाइल भेजी है, तो वहीं फ्रांस ने स्कैल्प मिसाइल, रेटल स्नेल मिसाइल सिस्टम और मांबा डिफेंस सिस्टम दिए हैं। इन हथियारों के अलावा भी हजारों मैन पैड मिसाइल और गोला बारूद की खेप नाटो देशों ने भेजा है।
डेनमार्क ने अब F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को दिए हैं, जिसमें जेलेंस्की की बांछें खिली हुई हैं। हमें रूसी युद्ध के सभी पहलुओं से अब निपटना होगा जितना जल्दी हो सके। अब यूरोप और दुनिया में हम सभी के लिए मौलिक है कि हमारे साझेदार रूसी छाया टैंकर बेड़े पर दबाव डालने की आवश्यकता का समर्थन करते हैं। ये वही उपकरण है जिसका उपयोग पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता से दुनिया के अन्य क्षेत्रों को अस्थिर करने के लिए करता है। यह जवाबी उपाय भी वैश्विक होना चाहिए। जेलेंस्की के इस बयान से माना जा रहा है कि अब वर्ल्ड वॉर होना तय है, क्योंकि लंबी दूरी की मिसाइल से हमले के बाद अब यूक्रेन F-16 फाइटर जेट से भी रूस के अंदर हमला कर सकता है, जिससे रूस अब यूक्रेन ही नहीं बल्कि डेनमार्क पर भी हमला बोल सकता है। मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग अब किसी भी वक्त विनाशकारी मोड़ ले सकता है। रूस यूक्रेन में तनाव बढ़ने के बाद 3 नॉर्डिक देशों ने युद्ध अलर्ट जारी कर दिया है। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने नागरिकों से जरूरी सामान का स्टॉक रखने और अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इन देशों की सीमाएं रूस और यूक्रेन से सटी हुई हैं। यूक्रेन पर परमाणु हमले की स्थिति में इन देशों पर असर पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।